दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बात की चिंता करने के बजाय कि पार्टी किसने छोड़ी, नागरिकों के मुद्दों को उठाएं और उनका समाधान कराएं। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा, हमें पार्टी छोड़ने वालों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें नागरिकों के मुद्दों को उठाना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने युवा नेताओं को मजबूत कर सकते हैं तो आने वाले चुनाव में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए हमें काम करना शुरू करना चाहिए और अपनी विचारधारा के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे यकीन है कि अगर हम ऐसा कर पाएं तो हम देखेंगे कि युवा नेता उभरेंगे। अजीत पवार के बारामती और सिरूर निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर रकापा प्रमुख ने कहा कि अगर वे संविधान के रास्ते पर चलते हैं तो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर वे संविधान के रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। वे अपने रुख के साथ लोगों के पास जा सकते हैं, लोगों को फैसला करना है। महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होने हैं। एकनाथ शिंदे के विद्रोह करने और शिवसेना के विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा से हाथ मिलाने के बाद राज्य में सत्ता में आई शिवसेना रकापा और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी टूट गई थी। इससे राज्य में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद फिर एक साल बाद रकापा के अजीत पवार ने अपनी पार्टी प्रमुख के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपनी पार्टी के कुछ सहयोगियों के साथ भाजपा से हाथ मिला लिया। राज्य अब महायुति गठबंधन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा, शिवसेना और रकापा का अजीत पवार गुट शामिल है।